हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। और बहुत दिनों से आप लोग डीएलएड इंट्रेंस रिजल्ट की इंतजार भी कर रहे होंगे। तो देखो, आप लोगों का जो इंतजार की घड़ी होगी समाप्त, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और देखो, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और खास जो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एक नॉलेज लेकर आया हूँ। देखो, सबसे पहली बात मैं बता दे रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, तो जॉब कैसे लेंगे वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। और सबसे पहले बात करेंगे, एक एक करके बात करने वाले हैं कि डीएलएड इंट्रेंस रिजल्ट आप लोग का कब जारी किया जाएगा, कब आएगा, और आप लोग के मन में क्या क्या चल रहा होगा, ये सब कुछ मुझे पता है और बिहार सरकार के लिए ये लानत है। दूसरा, हम लोग बात करेंगे कि डीएलएड इंट्रेंस रिजल्ट कब आएगा, उसके बाद आपका जो आ जाएगा रिजल्ट तो आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या आपको कॉलेज मिल रहा है या फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा, कितना में कट ऑफ निकलेगा। साथ में बात करेंगे परीक्षा की तैयारी कहाँ से करें, जो कि डीएलएड जब आपका होगा कहाँ से करना है, कैसे करना है, क्या क्या करना है। और खास बात जो कि आपको जॉब दिलाएगा, जॉब देने इसी साल अगर आप लोग जॉब लेना चाहते हैं 2024 से 25 के अंदर अंदर, तो आप जो है हमारी बातों को सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक भी बातों को मिस मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके बात करते हैं सबके बारे में। तो हम चलते हैं यहाँ पर, देखो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डीएलएड इंट्रेंस रिजल्ट के बारे में। तो देखो, रिजल्ट जो है बिहार सरकार ने, उसके बाद आपके बोर्ड ने बता दिया है कि बहुत दिनों तक बता रहा है कि इस हफ्ते जारी करेंगे, इस हफ्ते जारी करेंगे, लेकिन इस हफ्ता के बारे में बोला है कि हम जारी कर देंगे। चलो कोई बात नहीं, हम लोग इस हफ्ता भी इंतजार कर लेंगे, इंतजार तो हम लोग को करना ही पड़ेगा। साथ में जो आपका कट ऑफ कितना नंबर पे आएगा, क्या आपको कॉलेज मिल रहा है, एडमिशन आपका होगा या फिर नहीं होगा, वो सब हम लोग अब यहाँ जानते हैं। देखो, अगर आप एक लड़का है तो आप लोगों के लिए कम से कम जो है 55 प्लस मार्क्स आपको चाहिए, 55 प्लस या फिर 60 प्लस लाना चाहिए। तो 55 प्लस है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको एडमिशन मिल जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप एक लड़की हैं तो लड़की के लिए कम से कम 40 प्लस होना चाहिए, फिर 40 प्लस आप लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका डीएलएड में कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा 2025 या 2024 के अंदर अंदर अगर आप लोग जॉब लेना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी नियम और महत्वपूर्ण बात जो है आप लोग जान लीजिए। देखो, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि देखो, अगर 2024 या 25 में अगर आप लोग जॉब लेना चाहते हैं, तो उससे पहले ये चीज आप सबको पता होना चाहिए कि जैसे ही आप लोगों का जो है डीएलएड में यानी एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन होने के बाद आप लोगों को ये जो है अपॉर्चुनिटी दे दिया गया है बिहार सरकार की तरफ से या फिर सेंट्रल बोर्ड की तरफ से, कि कोई भी बच्चा जैसे कि डीएलएड में एडमिशन होते होते ही, अब मान लिए कि जब भी सेटेट का जो है फॉर्म निकले तो वो फॉर्म को फिलअप कर सकता है और एग्जामिनेशन में बैठ सकता है। तो आप जो एग्जामिनेशन में बैठने के लिए ये सारी अपॉर्चुनिटी जो सरकार ने दी है, तो अब कैसे बैठेगा, अब आपकी तैयारी होगी तब ना। तो इसीलिए कह रहा हूं कि जो भी बच्चे जो है यानी डीएलएड एंट्रेंस का रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सोच सोच के वो सोच रहे कब आएगा नहीं आएगा, तो उसके बारे में आप चिंता करना छोड़ दीजिए। आप अपनी लाइफ में अगर 2024 या 25 में सफल होना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि आप पढ़ने के लिए तैयार कर लीजिए, अपने आप को पढ़ना शुरू करा दीजिए, क्योंकि सीटेट जो है दिसंबर में होने वाली है और दिसंबर आपका जो है 3 महीने बाद दिसंबर होने वाली है, और आपको क्या करना है कि बहुत सारा चीज पढ़ना है। तो अब देखो, आपका तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन जो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, उसके बाद आपको कॉलेज मिल भी जाएगा, लेकिन जब आप तैयारी नहीं करोगे, जब आप सीटेट जो है दिसंबर में एग्जाम लेगा, तो आप कैसे एग्जामिनेशन दोगे। तो सबसे बड़ी पॉइंट की बात है कि आप जो है अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि देखो सितंबर खत्म निकल चुका, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपके पास 3 मंथ बचे हुए हैं, 3 मंथ में आपको हर चीज जो है करने हैं, तैयारी करने हैं हर तरीके से, और पहली बार में आपको सीटेट जो क्वालिफाई होने हैं। अब बात आती है कि सर तैयारी कहाँ से करें, किस तरीके से तैयारी करें जो हमारा तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। देखो, मैं अपनी बात करूँ तो मैं सीटेट जो है क्वालिफाइड हूँ, उसके बाद बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन मैं भी बैठ चुका हूँ, दे चुका हूँ। तो जो चीज हम हाल फिलहाल में बताने वाला हूं कि सीटेट की कंप्लीट तैयारी के साथ साथ आपका डीएलएड जो है, डीएलएड की 2 साल का जो आपका
कोर्स है उस कोर्स को कंप्लीट जो है आप लोग को तैयारी कराने वाला हूं इसी चैनल पर और इसी तरीके से बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में। आप लोग कैसे तैयारी करेंगे, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सीटेट जो आप लोग का इतना शानदार तरीके से तैयारी करा दूंगा जो कि आपका 2 मंथ में आपको लगेगा कि सीटेट जो है एग्जाम ले ले, मेरा कोई फर्क नहीं, कोई चिंता नहीं। लेकिन अब आप लोग को मेरा साथ देना पड़ेगा कि आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। पहुंचा करके आप लोग क्या कीजिएगा कि खुद आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा कि सर क्लास स्टार्ट कर दीजिए, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट को मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं, लेकिन आप लोग कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सरकार की ये अपॉर्चुनिटी को आप लोग बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, क्योंकि सरकार जो है वैकेंसीज पे वैकेंसीज निकालती जा रही है, क्योंकि इलेक्शन है 2024 से 25 में। इसलिए आप लोग को अगर इस बार ले लेते हैं जॉब तो ले लेते हैं, नहीं तो आपको फिर से 10 साल 5 साल वेट करना पड़ेगा। इसलिए आप वेट के चक्कर में मत रखिए, आप अपने आप को अभी से स्टडी कराने में लगा दीजिए, अपने आप को पढ़ने में झुका दीजिए। आप चाहे जब तक जॉब ना मिल जाए तब तक आप जो है लड़ते रहिए अपने आप से, चाहे रिजल्ट आएगा ही आएगा ये तो तय है, ठीक है, लेकिन आप अपने आप को तैयारी में लगा दीजिए। इसी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर एक सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए कि सर इस दिन से क्लास स्टार्ट कर दीजिए, मैं आप लोग कंप्लीट क्लास शुरू कर दूंगा अभी से और एकदम 2 महीने में आपकी सेटेट की तैयारी करा दूंगा, साथ साथ डीएलएड की भी। तो आज का वीडियो इतना तक, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।